अर्पित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी जो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत सादर धन्यवाद देती हूँ कि वे इस परिचर्चा में उन्होंने भाग लिया और सभी का दिल से स्वागत। होम्योपैथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा परिचर्चा का विषय है वो है मॉडर्न होम्योपैथी। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि होम्योपैथी और मॉडर्न होम्योपैथी क्या है। हम सभी जानते हैं, हम सभी होम्योपैथी से तो परिचित है, लेकिन हम पूरी तरह से होम्योपैथी को नहीं जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं पहले और उसके बाद आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, और जब थक जाते हैं, जब कुछ भी नहीं होता है, जब हमारी बीमारी या रोग जो है वो ठीक नहीं होते हैं, तब हम स्विच करते हैं होम्योपैथी पे। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ नागरिक सदस्य, नागरिक संस्था के सदस्य श्री राजन रानडे सर से निमंत्रण से निवेदन करूंगी कि वे आए और डॉक्टर चोपड़ा सर का स्वागत करें। राजन रानडे सर हमारे साथ जुड़े हैं। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज वेलकम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर। नाउ यू कैन हियर मी? यस सर। जी सर, आप हमें सुनाई दे रहे हैं। नमस्कार, आज के वेबसाइट सीरीज में आप सबका स्वागत है। जिनके पास लॉकडाउन के दौरान राजन सर आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। राजन रानडे सर आप हमसे जुड़े हैं लेकिन हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम इसको आगे बढ़ाएं? चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की परिचर्चा को। मैं सभी की तरफ से डॉक्टर सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर प्लीज परिचर्चा की शुरुआत करें। थैंक यू मैडम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल है ना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आपके महालक्ष्मी परिवार का ही सदस्य हूँ। पिछले 3 वर्षों से मैं 213 सेक्टर ए महालक्ष्मी नगर में निवासरत हूँ। मेरा एक क्लिनिक है जंजीरवाला चौराहे पर, जिसका नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि पूरा क्रिटिकल और सर्जिकल एवं लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में बनाया गया जो हमारा मुख्य धारा है मॉडर्न होम्योपैथी, उसके द्वारा डील करता है। तो ये जो मॉडर्न होम्योपैथी है, इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में मूल रूप से खैरागढ़ शहर का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इंदौर से ही हुई है। मेरा जो MD का जो डिग्री है औरंगाबाद से मैंने लिया, और साथ में मैं इंदौर में पिछले 20 वर्षों से निवासरत हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने CHL अपोलो हॉस्पिटल, उसके बाद टोटल डायबिटीज हार्मोन इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट भी देखा, और फाइनली जब मेरा MD कंप्लीट हुआ तो उस वक्त कई सारे जब हॉस्पिटल में मेरा जो 13 साल का एक्सपोजर था, मेरे घर में 19 डॉक्टर हैं एलोपैथी सिस्टम से और मुझे भेजा गया था होम्योपैथी में। तो मेरी पढ़ाई लिखाई भले होम्योपैथी से हुई ही, पर मेरा जो नॉलेज है मुख्य रूप से एलोपैथी सिस्टम से काफी जुड़ा हुआ था। और जब मेरा 13 साल का एक्सपोजर था हॉस्पिटल सेक्टर में, तो कई बार ऐसा देखने में आता था कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं हॉस्पिटल में, उसके बावजूद भी कई स्टेज ऐसी होती है बीमारियों की जिसे हम बचा नहीं पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमें मुख्य रूप से सर्जरी पर बाध्य होना पड़ता है, या दुनिया में कई ऐसी बीमारी है जिसपे हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी कई प्रकार के इलाज नहीं मिल पाते हैं, या फिर वो पेशेंट जो सब तरीके से नकार दिए जाते हैं या मेडिकल साइंस जहाँ पर हाथ खड़े कर देता है।
तो वहां पर कुछ अलग करने की आवश्यकता की महसूस जब मुझे होने लगी, तो हमने फिर जो होम्योपैथी का सिस्टम है, क्योंकि होम्योपैथी का जो सिस्टम है बड़ा ही क्लासिकल मोड में चलने वाला सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्लासिकल मोड में मेंटल सिम्टम पकड़ते हैं और मुख्य रूप से ज्यादातर सर्दी खांसी बुखार स्किन एलर्जी हेयर फॉल इस तरीके के पेशेंट्स को ज्यादा देखते हैं। पर अगर हम क्रिटिकल या सर्जिकल केस या अंतिम अवस्था के पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर दुनिया की 70% बीमारियां फेल हो रही है, उस वक्त शायद होम्योपैथी में इतने विकल्प नहीं मिलते थे, जिसके कारण कई बार होम्योपैथी में उसके लिए ऑप्शन ना होने के कारण वो पेशेंट्स को होम्योपैथी से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाती थी। तब एक विचार जब हम लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम इस होम्योपैथी में, जब सब जानते हैं कि ये सेफ सिस्टम है, सभी को पता है कि मॉडर्न होम्योपैथी से पहले जो होम्योपैथी है वो काफी सेफ है, इसमें किसी को डाउट नहीं है कि होम्योपैथी सेफ है, लेकिन सब लोग ये भी जानते हैं कि बड़ा स्लो ट्रीटमेंट होता है और क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के पहले वाला जो होम्योपैथी है बड़ा स्लो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। इस कारण से ऐसे केसेस को होम्योपैथी से डील नहीं करने का मुख्य वजह होम्योपैथी की लिमिटेशंस थी, जिसपे हमको विजय प्राप्त करने के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत थी, और हमने उस सिस्टम को एडॉप्ट करने के साथ उसमें कुछ मुख्य नई बातों का समावेश किया, जो आज के परिचर्चा में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। इसका नाम दिया हमने एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर मॉडर्न होम्योपैथी। मॉडर्न होम्योपैथी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक मेरा एक लिटरेचर जो मैं आपको शो करने जा रहा हूं, हम लोग इस लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न होम्योपैथी एक कंप्लीट एविडेंस बेस्ड सिस्टम विज्ञान है, जिसमें हम दुनिया की 300 प्रकार की बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसे लगभग सभी बीमारियां जो दुनिया में इस समय लाइलाज है, चाहे वो कैंसर हो, किडनी फेल हो, आखिरी स्टेज के पेशेंट हो, कोमा में चले गए पेशेंट हो, हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज है, या फिर जिनकी सर्जरी बताई गई है, या दुनिया में ऐसे पेशेंट जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और जीवन भर दवाई खाने के लिए बाध्य हैं, तो कोई ना कोई स्टेरॉइड या पेन किलर की जो रिमेटोलॉजी की जो दवाइयां चलती है, या फिर लाइफस्टाइल बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल मिर्गी के जो दवाइयां लाइफ टाइम खानी पड़ती है, इस प्रकार की ऐसे 300 प्रकार की गंभीर बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का जन्म किया गया। और ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरा फास्ट ट्रीटमेंट के तौर पर बनाया गया है, क्योंकि होम्योपैथी में आज के डेट में 50 लाख पावर तक की दवाइयां अवेलेबल है और 4000 नई दवाइयां आ चुकी है। लेकिन जब क्या होता है, मॉडर्न होम्योपैथी के पहले जो होम्योपैथी में हम लोगों का जो जितना भी अभी तक का अनुभव रहा है, ज्यादातर वो लोग 200 से 400 दवाइयों के बीच में मैनेजमेंट करते हैं और हाई पावर में जाने से पहले कई बार सोचते हैं। तो इस तरीके से कई सारी बीमारियों में मॉडर्न होम्योपैथी के पहले लिमिटेशंस बताए गए थे, पर इसी चीज को जब हमने मॉडर्न होम्योपैथी के थ्रू जब प्रदान करना चालू किया, तो लगभग 50 लाख पावर तक की जितनी भी दवाइयां हैं उनका उपयोग करना चालू किया, और 4000 नई दवाइयां जो कि मेडिकल साइंस में आज के डेट पर होम्योपैथी में अवेलेबल है, उनका पूरी तरीके से उपयोग करने के कारण आज मॉडर्न होम्योपैथी में लगभग 300 प्रकार के मिरेकल्स के ट्रीटमेंट आप हम लोगों की वेबसाइट पे या यूट्यूब के चैनल पर जाकर 2500 पेशेंट के लाइव डेटा के रूप में देख सकते हैं। मैं आप सभी गणमान्य नागरिकों से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरा ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, कभी आपको मेरा कोई भी मैसेज जो मैं आपके यूजुअली ब्रॉडकास्ट में जो 15,000 लोगों के ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप से मैं शेयर करता हूं, अगर उसमें नीचे कुछ लिंक रहते हैं, अगर आप वेबसाइट पे या यूट्यूब में कभी जाएंगे, तो आपको ऐसे 2500 पेशेंट के डेटा देखने में लगेंगे जो कहीं ना कहीं पहले और बाद की रिपोर्ट के साथ उनकी डॉक्यूमेंट्री के रूप में अवेलेबल है और मेडिकल साइंस में पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम के रूप में मौजूद है। ये सभी 2500 पेशेंट वही पेशेंट है जो कह सकते हैं कि सभी तरीके से नकार दिए गए थे, जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं ऐसा उनको कहने में आ गया था, या सब तरीके से लाइला श्रेणी के घोषित हो चुके थे, लेकिन उन्हीं पेशेंट्स की रिपोर्ट आप पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस रिपोर्ट्स को डॉक्टर्स ने भी वेरीफाई किया है और काफी अप्रिशिएशन दिया है, और ऐसे करीब 2500 पेशेंट की जो आपके डेटा अगर आपको वेरिफिकेशन के रूप में जो मैंने बताया है वो सभी वेबसाइट यूट्यूब की लिंक में अवेलेबल है। आप सभी से जरूर अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित तौर पर एक बार उस चीज को आप वेरीफाई करें, और अगर आपका इसमें कोई भी क्वेरी होता है या ऐसा लगता है कि आपको कुछ मुझसे और भी इस बारे में संबंधित जानकारी चाहिए, तो मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, महालक्ष्मी नगर में ही रहता हूँ, मेरा घर का निवास जो है आपके बीच में मौजूद है, आप कभी भी वहां पर आकर मुझसे फेस टू फेस मिल सकते हैं, और अगर कभी किसी कारण से नहीं आ पाए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़े, और कोई भी शंका है तो मैं, हो सकता है कि इस वेबिनार के बाद भी आपको किसी प्रकार की शंका हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके शंका का समाधान कर सकूं मैं। और मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में आप जब आगे कुछ बताना चाहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी पूरा
कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ये कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऊपर से भी करता है जो भी आपके बॉडी रिस्पांस में प्रॉब्लम होता है, और अंदर से बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी पूरी तरीके से करेक्ट करता है। अगर बॉडी रिस्पांस का प्रॉब्लम अंदर से, अगर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से करेक्ट होता है, तो हमारी दुनिया में कई प्रकार की बीमारियां हैं जिसपे हम लोगों ने विजय प्राप्त की है, ऐसे रिपोर्ट हमें देखने में आते हैं। क्योंकि सीधा सीधा आपका बॉडी रिस्पॉन्स अंदर से मेंटेन है, बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट है, इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं होता, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता, और बिना गर्म दवाइयों का लगभग 50 लाख पावर तक का स्कोप मॉडर्न होम्योपैथी में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है, अगर किसी पेशेंट्स को समझ लीजिए, अगर हम में से किसी पेशेंट को 3 या 4 प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम है और साथ में जोड़ों का दर्द है, या हो सकता है स्किन की कोई एलर्जी है, और अगर लगता है कि इन सभी के कारणों के कारण किडनी में कोई प्रेशर आया है, किडनी फेलियर की कंडीशन आ रही है, तो उसके लिए चूंकि एलोपैथी में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6 सिस्टम की दवाइयां हमें खानी पड़ती है, लगभग 6 प्रकार के डॉक्टर्स का विकल्प लेना पड़ता है, उनकी सभी की जितनी दवाइयां हैं हमें उसका लेना की एक मजबूरी बनती है। और इसी कारण से मॉडर्न होम्योपैथी को इस तरीके से कंपाइल किया गया है कि अगर किसी पेशेंट को एक से ज्यादा अगर मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, अगर कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको मिलाकर हम एक किट बना दें और उस पर्टिकुलर बीमारी का ना समाधान करते हुए उस पेशेंट की सभी बीमारियों को हम मेटाबॉलिज्म पे एक साथ कवर करें, ताकि इन सभी बीमारियों का निराकरण जब एक साथ होगा तो कहीं ना कहीं जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो सभी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और निश्चित तौर पर इस कारण से लगभग पेशेंट के सभी बॉडी रिस्पॉन्स पे हम कवर करते हैं और उसका फायदा उनकी सभी रिपोर्ट्स पे देखने में मिलता है। मैं मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में जो अभी हमारा जो मुख्य चर्चा का विषय है, चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी में तो हम लोग 300 प्रकार की बीमारियों पर काम कर रहे हैं, मैं एक स्लाइड शो बाद में आपको एक प्रेजेंट करूंगा जिसमें आप कई प्रकार की बीमारियों के एक बेसिक स्लाइड शो के थ्रू में आप कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं उसकी भूमिका पे प्रकाश जरूर डालूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पे परिचर्चा में प्रवेश करके आज हम सुनने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, उस बारे में मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन मीट जिसमें हमने टॉपिक लिया है कि कोरोना काल के कारण जो हम लोगों ने 2.5 महीने का जो समय, जो मेरे ख्याल से मेरा तो जीवन में ये पहली बार देखने में आया, और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी आज सम्माननीय गणमान्य आज हमारे अतिथि आज मेरे बीच में जो मौजूद हैं, मैं शायद समझता हूँ उनके जीवन काल में भी ऐसा समय पहले कभी नहीं आया हो कि इमरजेंसी के छोड़ के भी 2.5 महीने तक हम लोग इस तरीके से घर में बैठे रहे, और जिसमें हम लोग कई बार सोचने में लगे हैं कि ये समय कब खत्म होगा। ये पहली बार है कि हम लोग इतने भौतिकवादी युग में जीने वाले लोग हैं जिसमें हम इतना मेहनत करते हैं और कई बार सोचते हैं कि हमको मरने तक की फुर्सत नहीं है, और ये पहली बार ऐसा है कि आज हमको मरने से बचने के लिए फुर्सत में ही बैठना पड़ रहा है। तो बड़ी विडंबना वाली स्थिति थी दुनिया के हिसाब से जो हम लोगों ने अभी इस 2.5 महीने में पिछले जो देखा, और इस विश्व की जो महामारी जिसको हमने COVID-19 का जो नाम दिया है, कोरोना इन्फेक्शन का जो इतना महाकाल जो चल रहा है, इसमें लगभग दुनिया के 1 करोड़ लोग इस समय ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं, 5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इंडिया के हिसाब से भी हम भारत के हिसाब से बात करें तो 5 लाख लोग ऑलरेडी इसमें सफर कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 3.5 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं, पर फिर भी ये जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, करीब 5,000 लोग अभी भी डेथ उनकी हो चुकी है, और इंदौर की परिभाषा में अगर हम सोचते हैं तो करीब 5,000 लोगों का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं, और 220 लोगों के आसपास की डेथ इंदौर में भी हो चुकी है। मैं शायद जितना समझता हूं कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये चूंकि एक ऑथेंटिक डेटा के रूप में हमें मिलते हैं, पर मुझे लगता है कि वास्तु स्थिति में इनके रिकॉर्ड्स इससे ज्यादा बढ़े हुए होंगे। तो कोरोना के बारे में हम लोग इस बारे में एक छोटा सा एक और बात करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का जो समय था जिसमें हमने कोरोना का जो प्रभाव देखा कि इससे बचने के लिए हमने लॉकडाउन का पालन किया, ये हमारा एक प्रयास था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चेन को हम किसी तरीके से ब्रेक कर सकें, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड इस चेन को ब्रेक करने का ये पहला नियम बनाया गया कि इस इन्फेक्शन को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हम लोग जितना ज्यादा हम मेंटेन कर सकें इस चेन को तोड़ सकें। कोशिश की गई, पहले हमने 1 दिन का लॉकडाउन किया एक संडे को, फिर उस पर हमने 15 दिन का किया, फिर 30 दिन, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 से 2.5 महीने तक हमने पालन किया, पर अंततः जब ये देखने में आया कि ये किसी भी तरीके से इससे हम लोग सिर्फ कंट्रोल कर पा रहे हैं पर पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि हम लोग भी सामाजिक रूप से सब कहीं ना कहीं सबके आर्थिक सामाजिक विकल्प तकलीफ में आते जा रहे थे, लोगों की कई प्रकार की स्थिति थी, इसके कारण आखिरी में ये डिसाइड हुआ कि हम अब कोरोना से लड़ेंगे भी और उसे खत्म भी करेंगे। इस कारण से लॉकडाउन वापस ओपन किया गया, और जितने भी हमें सिखाने के जो मॉड थे इस 2.5 महीने में लगभग सभी सोशल मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू, और लगभग सभी ने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया, और
कोरोना के लिए प्रिवेंशन के लिए हमने मॉडर्न होम्योपैथी से, जैसे कि ज्यादातर इस समय होम्योपैथी के बारे में सबसे अच्छी बात यह हुई कि कोरोना के प्रिवेंटिव के नाम से लगभग सभी ने ये चीज जाना कि आर्सेनिक एल्बम जो कि कोरोना के मुख्य प्रिवेंटिव के तौर पर लोगों के जुबान पे मौजूद रही। आखिरी में किसी ने बताया कि कैंफर को आप लीजिए जिससे आप कोरोना का प्रिवेंशन कर सकते हैं। हमने भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए करीब 60,000 लोगों को आज तक की डेट में, करीब 2 मार्च से हम लोगों का ये शेड्यूल चल रहा है जो कोरोना की फ्री दवाई हमने बनाई और उसको बांटना चालू किया। और लगभग जो जिस समय मैंने मीडिया में बात की थी 26 मार्च को, उस दिन तक हमने 10,000 लोगों को कवर किया और आज दिनांक तक करीब 60,000 लोगों को हम लोग ऑलरेडी कोरोना की फ्री प्रिवेंटिव दवाई हम लोग ऑलरेडी बांट चुके हैं और ये लगभग पूरा फ्री प्रिवेंशन है। हमने महालक्ष्मी नगर के ग्रुप में भी लगभग इस मैसेज को सर्कुलेट किया था और इंदौर में आदरणीय ललवानी जी से लेकर सामाजिक रूप से जितने भी जो बड़े संगठन है उनसे और मीडिया, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, लगभग पुलिस विभाग, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो सेवा दे रहे थे, उन सभी के पास जा जाकर इस दवाई को किसी भी माध्यम से पहुंचवाया या जो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जो हमारे मैसेजेस जो सोशल मीडिया में जा रहे थे, न्यूज़पेपर कवर कर रहे थे या फिर सभी मीडिया चैनल्स ने इसको कवर किया, उसमें लगभग सभी को पता चला और करीब 15,000 लोगों का ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो मैंने शेयर किया, करीब 60,000 लोगों तक आज तक हम इस दवा को पहुंचा चुके हैं। और महालक्ष्मी नगर में भी मैंने राजन रनडे अंकल को या फिर आप सभी गणमान्य नागरिकों में से कई लोगों ने मेरे घर पे आके कलेक्ट भी किया और ये वो समय था जब हमें सबको एकजुट होकर चूंकि रहना भी था और चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी में हमने जो दवाई बनाई थी वो 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन था। ज्यादातर होम्योपैथी में 1 या 2 दवाई का कॉम्बिनेशन सबको पता है। मैं आज आप इसको इस मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि चूंकि हमें ये नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया कितना स्ट्रांग हो सकता है, ये जो इन्फेक्शन है हो सकता है वायरस हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है कि कोई जेनेटिक कोडिंग के साथ बनाया हुआ वायरस हो या ये भी हो सकता है ये किसी प्रकार का रासायनिक हथियार है। क्योंकि इस कोरोना की बीमारी में मैं एक चीज आपको फिर से मेरी ओर से जो क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि ये कोरोना की बीमारी पूरी तरीके से धोखे की बीमारी रही है। पूरी दुनिया इसके धोखे में इससे सफर कर रही है और कोई भी इसका अंदाजा लगा नहीं सका और जब तक अंदाजा पड़ा तब तक ये ऑलरेडी फैल चुका था। हमारे देश में भी यही हुआ, हम लोग सोचते रहे कि फरवरी में या मार्च में जब दुनिया में इसका प्रवेश हुआ था, जब ये नॉलेज में आया था, तब हमारे देश में नहीं होगा, पर बाद में जो डेटा या रिसर्च का जो डेटा हमें प्राप्त हुआ उसके हिसाब से ऑलरेडी फरवरी महीने से इसका प्रवेश हमारे भारत में हो चुका था, जिसके कारण लॉकडाउन में फिर हमने इन चीजों को बहुत अच्छे से व्याख्या किया और 9 दवाई का कॉम्बिनेशन जो हमने मॉडर्न होम्योपैथी से बनाया वो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें हम केवल 1 डोज के माध्यम से, केवल 1 डोज अगर हम होम्योपैथी के बात से माध्यम से समझना चाहेंगे तो लगभग सभी ने आर्सेनिक एल्ब को 3 दिन 3 बार लेना, कैम्फर को 3 दिन 3 बार लेना, ऐसे अलग अलग तरीके से अपने बारे में बताया। लेकिन मैं अगर मॉडर्न होम्योपैथी से बनाए हुए कोरोना प्रिवेंटिव की बात करता हूं तो करीब 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो कि एक बार केवल 15 गोली के डोज के नाम से आप एक बार लेंगे और करीब हमने जो एक छोटी सी डिब्बी बनाई थी जिसमें एक परिवार को हमने कवर करने के हिसाब से 7 लोगों के लिए एक डिब्बी बनाई थी जिसमें करीब 7 लोगों को हम एक परिवार में कवर कर रहे थे और लगभग सभी ने वो दवाइयां ली है। और ये सौभाग्य कह सकते हैं या फिर मिराकली कह सकते हैं कि 60,000 लोगों में से जितने भी लोगों ने इस दवाई का सेवन किया या लोगों को दिया उनमें से किसी भी पेशेंट ने आकर आज तक ये रिपोर्ट नहीं किया है कि उनमें से किसी को भी जिनको हमने दवा दी थी किसी को कोरोना के लक्षण पाए गए या फिर कोरोना से वो संभवतः किसी प्रकार से तकलीफ में आता दिखा। तो ये एक मिरेकली था जो हमने एक तरीके से रैंडम पॉपुलेशन को कवर किया और हमारा पूरा टारगेट है कि 1,00,000 लोगों को हमको ये दवाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो 60,000 लोगों तक हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और पूरी कोशिश है कि नियर जो आने वाला समय है उसमें आपके माध्यम से या जिस भी सामाजिक संस्थान के माध्यम से या फिर किसी भी पर्सनल वेबसाइट या मीडिया जो भी आप लोग आगे शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को पता चलेगा और 40,000 लोगों तक हम अपनी जो आगे की दवाइयां और भी पहुंचा सकेंगे। कोरोना के बारे में आज हम जब अपने सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के कारण हम लोगों ने क्या क्या सफर किया और आगे हमें अब क्या क्या सफर करना है, उसके कारण हमें अब किस तरीके से वापस अपने दिनचर्या को रूटीन में लाना है, अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो लगभग कोरोना के टाइम पर हमने देखा कि लगभग सभी ने अपने कई प्रकार के मानसिक रूप से जो लोग घर पे बैठे हुए थे क्योंकि सबका अच्छा खासा काम था, सब लोग अपने बिजी शेड्यूल में थे, एकदम से लॉकडाउन हुआ और 1 या 2 दिन के अंदर हमें बता दिया गया कि हमको घर में रहना है, लक्ष्मण रेखा पार नहीं
करना है। और चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैसेज दिया था, लगभग सभी ने उनकी बात रखी और इंदौर में बहुत अच्छे तरीके से इसका फॉलो भी हुआ। लेकिन शुरू के 2-4-5 दिन 10 दिन तक तो हम लोग सब इस तरीके को ये सोचते रहे कि ये हमारे लिए कुछ समय का आराम हो सकता है, पर जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती गई, ये लॉकडाउन बढ़ता गया और कहीं ना कहीं हमारा जो आराम करने का लेवल है वो हमारे लिए कई बार तकलीफ देने लगा। और धीरे धीरे हमने ये देखना चालू किया कि कई तरीके से शारीरिक विकार या मानसिक विकार से हम लोगों को जूझना पड़ रहा था। और आज के डेट में कई पेशेंट से अगर मैं मिलता हूँ तो कई लोग ये बताते हैं, सर कि कोरोना के कारण हम लोगों का काम धाम बहुत खराब हुआ, कई तरीके से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस तरीके से कई लोग उसके कारण डिप्रेशन की मुद्रा में आए, कई लोग तनाव की मुद्रा में आए, कुछ माइग्रेन की जो कारण बताए जाते हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि कई पेशेंट्स को माइग्रेन का पेन उठा। और माइग्रेन एक बहुत ही बेसिक बीमारी होती है जिसका कोई कारण नहीं होता, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती, पर कई बार क्या होता है किसी कारण की स्थिति में अगर हम बार बार उसका सामना करते हैं, जो मन में एक डर बैठ जाता है कि किसी भी प्रकार से ये कोरोना का काल कब खत्म होगा या कब हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। ऐसा अभी तक कोई निश्चित कोई तौर पर कोई वैक्सीन अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है या वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा कोई इलाज नहीं बताया गया है कि इसको लेने के बाद जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट के लेवल पे हम लोगों को डिक्लेरेशन नहीं मिला है कि इसको लेने के बाद हम निश्चित तौर पर हम बाहर निकल पाते। तो ये जो 2-2.5 महीने का समय है हमने काफी एक तरीके से संदेहास्पद स्थिति पे गुजारा और इस शंका के कारण कई प्रकार के लोगों को माइग्रेन का दर्द उठा। और माइग्रेन चूंकि कोई बीमारी नहीं होती पर एक कारण है जिसमें कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम पे वो ट्रिगर होता है। तो इस तरीके के काफी पेशेंट जो आप एक स्लाइड शो के थ्रू देख रहे हैं कि माइग्रेन का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो एक बिना कारण की बीमारी है जो कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सर दर्द है। तो बिना कारण का सिर दर्द दुनिया का सबसे बड़ा सर दर्द है। और कोरोना में सबसे ज्यादा हमने देखा कि माइग्रेन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुए, उनकी बीमारी काफी हद तक बढ़ी। तब हम लोगों ने मॉडर्न होम्योपैथी में, जैसा हमारा क्लिनिक में अगर आप 2500 पेशेंट का जो डेटा देखेंगे उसमें कुछ पेशेंट का मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, इनमें इनके सभी के शब्द हैं कि कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 5 साल माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित था। और लगभग सभी ने 15 दिन से लेकर 30 दिन में या 35 दिन या 40 दिन का जो फेस है जो उन्होंने लिखा है, सभी के बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से फायदा उठाया और माइग्रेन से पूरी तरीके से विजय प्राप्त किया। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती थी लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसको अपने शरीर पर असर ना आए इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आपको बॉडी रिस्पॉन्स से वापस अंदर से मेटाबॉलिज्म आपका कवर करती है और निश्चित तौर पर नर्वस सिस्टम पर वो असर लाती है कि हम माइग्रेन से पीड़ित ना रहें या उसका जो सीवरिटी वाला जो साइकिल है उससे हम बच सके। माइग्रेन के बाद हम लोगों ने देखा कि कई पेशेंट डिप्रेशन में या मूड डिसऑर्डर या किसी प्रकार से एक डर बैठ गया था जो दिमाग में, फियर जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के श्रेणी में भी डाल सकते हैं, इसके में काफी पेशेंट हमें प्राप्त हुए। और इस तरीके के काफी पेशेंट साइकेट्रिक एलिमेंट में जो दवाई खा रहे थे या जो तकलीफ में आ गए सोच सोच कर कि किस तरीके से हम इससे मुक्त होंगे, आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा बिजनेस क्या होगा, आगे कैसे लोग मिलेंगे, हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर किसी मोहल्ले में किसी के बारे में अगर पता चल जाता है कि अगर ये परिवार में किसी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो कुछ लोगों को वो डर कई प्रकार से सताता है और कहीं ना कहीं वो हो सकता है उसके कारण कई साइकेट्रिक एलिमेंट को जन्म भी देता है। तो इस तरीके से हमने देखा काफी सारे लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, कई सारे जो नॉर्मल पेशेंट्स थे उनको भी किसी प्रकार से चीजों को डर या डिप्रेशन के रूप में लो मूड डिसऑर्डर के कारण इस तरीके की गंभीर बीमारियों का सामना करने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे स्टेज में भी मॉडर्न होम्योपैथी आपके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि कोरोना में हम लोग एक डोज से अगर इतना अच्छा प्रिवेंटिव दे सकते हैं तो मॉडर्न होम्योपैथी में सेकेट्री के लिए, चूंकि होम्योपैथी की जितनी दवाइयां होती है पूरी नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट एक्शन करती है, तो कम से कम डोज में हम लोग आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर काम करते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो डर है, क्योंकि जो परिस्थिति है उसका तो हमें सामना करना ही पड़ेगा और जब समय आएगा तभी ये कोरोना पे हम विजय पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, पर जब तक भी हमारे शरीर का जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो और इस कोरोना का डर से हमें कहीं किसी प्रकार के सेकेंडरी एलिमेंट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी में कई दवाइयां मौजूद है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कई प्रकार के लोगों को ठीक किया है। आप निश्चित तौर पर उसका फायदा किसी भी पेशेंट्स को अगर आपको लगता है कि कोई आपके नॉलेज में उनको आप दिला सकते हैं। कोरोना काल में हमने कुछ देखा कि ज्यादातर लोग घर पे रहे, इसके कारण खाना पीना भी बड़ा ऊंच नीच होता रहा, कई बार हम लोग डाइजेशन की प्रॉब्लम से ग्रसित हुए, लोगों का एसिडिटी, डाइजेशन, लीवर की जितनी प्रॉब्लम्स थी, कुछ पेट संबंधी जितने विकार है काफी समय तक वो एक्टिवेट हुए। इसके कारण मॉडर्न होम्योपैथी में फास्ट ट्रीटमेंट बताए गए हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिसमें आपको फास्ट ट्रीटमेंट भी दे दें और जो गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज्म है चूंकि उसमें केमिकल की दवाइयों से काफी नुकसान होता है, तो मॉडर्न
में भी चूंकि सेफ सिस्टम है, उसमें काफी कम से कम दवाइयों में आप जिस प्रकार की ये स्लाइड देख पा रहे हैं जिसमें काफी पेशेंट्स की आप डेटा पढ़ सकते हैं, लगभग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में सभी प्रकार से मॉडर्न होम्योपैथी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के नाम से काफी अच्छा तरीके से काम करती है। और अगर किसी पेशेंट को अगर कोरोना के कारण घर में बैठे बैठे एसिडिटी, गैस, डाइजेशन या लीवर या कुछ इस तरीके से संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, कब्ज का सामना करना पड़ रहा है, तो आप निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी का उपचार लेकर उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और बिना साइड इफेक्ट ठीक कर सकते हैं। कोरोना काल में एक और चीजें हमें जो देखने में आई उसके बारे में हम प्रकाश जानेंगे, कई लोग उसमें एलर्जी से ग्रसित थे, तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ वाले लोग थे जो पूरे विश्व में अभी कोरोना में सबसे ज्यादा जो संदेहास्पद रूप से सामने आए वो थे एलर्जी के पेशेंट्स। अब एलर्जी तो एक सामान्य बीमारी है, लगभग सभी कई लोगों को हम देखते हैं कि उनका इम्यूनिटी रिस्पांस कमजोर होता है और उनके बॉडी रिस्पांस में इम्यूनिटी रिस्पांस कमजोर होने के कारण उन्हें बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, अस्थमा या इस तरीके की जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है वो कई बार देखने में आता है। बट कोरोना काल में अगर सर्दी, खांसी, बुखार होना अगर हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए ये बहुत ही विषम परिस्थिति थी। और इस समय ये सर्दी, खांसी, एलर्जी जिनको भी थी लगभग वो सभी काफी सेंसिटिव पेशेंट होते हैं तो उनके लिए बड़ा रिस्क का समय था। तो ये काफी पेशेंट है जिन्होंने इस समय में काफी डर के ये समय निकाला होगा। पर मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमने लगभग ऐसे काफी सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में जो एलर्जी की बीमारियों से ग्रसित हैं, जो अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट की जो प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है या इस तरीके से कोई भी आपको एलर्जी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट दिखते हैं उनके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। क्योंकि ये मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है ये 15 दिन के अंदर भी कई लोगों की एलर्जी खत्म कर चुका है और लगभग काफी सारे पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने में इसने मदद किया। जिस प्रकार से कोरोना की केवल एक डोज से हम लोगों ने लगभग सभी का इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जो दवाई थी उससे इम्यूनिटी बढ़ाया और अभी तक उसका रिजल्ट हमें देखने में मिल रहे हैं जो काफी स्थायी रूप से साबित हुआ है। इस प्रकार से एलर्जी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि लगभग मॉडर्न होम्योपैथी में जितनी भी दवाइयां उसमें एलर्जी के लिए आज के डेट में ये किसी वरदान या चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल 15 दिन के अंदर भी आपका बॉडी रिस्पॉन्स इतना एक्टिव करता है। हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स की वीडियो है, आप उनको यूट्यूब में जाकर सुन सकते हैं जिन्होंने इस बात के लिए हमें थैंक्स बोला कि अगर उन्होंने कोरोना काल के पहले शायद ये ट्रीटमेंट नहीं लिया होता तो आज भी वो तकलीफ में, संदेहास्पद स्थिति में रहते और लोग उन पर डाउट कर रहे होते। क्योंकि जनरली क्या होता है वो तो अपनी सर्दी खांसी के प्रॉब्लम से पहले से ग्रसित थे पर लोगों को नहीं मालूम कि ये एलर्जिक पेशेंट है या हो सकता है कि कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट है। इस कारण से उनका जो डर है वो हमेशा दिमाग में रहता था और निश्चित तौर पर उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का चूंकि ट्रीटमेंट लिया उससे उन्हें फायदा मिला और वो आज भी कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एग्जांपल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मॉडर्न होम्योपैथी में अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई पेशेंट दिखते हैं जिनकी इम्यूनिटी अभी भी कमजोर है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज दूंगा, मैंने रानाडे अंकल को कुछ होम्योपैथी की प्रिवेंटिव दिया है, अगर किसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपको लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप मेरे घर से, निवास से आके ले सकते हैं। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, मैं आपके बीच में ही रहता हूं तो आप कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एलर्जी के बाद मोटापा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर घर पे रहे तो निश्चित तौर पर खाना पीना बहुत कुछ इरेगुलर लाया तो कई लोगों का मैंने देखा कि वेट गेन हुआ। मेरे कॉलोनी में जो मेरे लाइन के लोग हैं काफी इस वक्त वॉक करते रहे, सब कुछ करने के बावजूद भी हमने कोशिश की कि हम किसी भी तरीके से अपने फिटनेस को मेंटेन कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि खाली बैठे बैठे कुछ और काम नहीं था तो निश्चित तौर पर लगभग लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा उसमें डिस्टर्ब हुआ और काफी सारे पेशेंट जिनकी थायराइड की टेंडेंसी है या कोई मोटापा की टेंडेंसी है उनका हम लोगों ने देखा कि ओवरवेट हम लोगों को एक डिटेक्ट हुआ। और काफी सारे पेशेंट ने जो लॉकडाउन खुला तो उसमें से कई लोगों ने आके हमें भी कॉन्टेक्ट किया कि सर ये इस समय, तो ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको एक स्लाइड शो बता रहा था कि करीब मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग स्थायी रूप से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं और जो भी कंडीशन के कारण आपका वेट गेन हो रहा है जैसे ये मिस्टर उमेश गुप्ता जी का मैंने आपको एक स्लाइड पर बताया करीब 2 महीने में। सर आई इंटरप्ट यू, आप अगर स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमें विजिबल नहीं हो पा रही है और स्लाइड हम देख नहीं पा रहे हैं। सॉरी मैम, है ना, हम लोग इतने देर से जी सर आपकी आवाज और आप जो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी स्लाइड देखने की, लेकिन अगर आप दिखा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ अगर हम देख सके तो। हम लोग शेयर कर रहे हैं, आपको स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं एक बार फिर से कंफर्म करिए। जी सर मैं कंफर्म करती हूँ अभी। जी अब आप का हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। जी सर जी, हम लोग इसके पहले एक बार भी स्लाइड आपको नहीं मिली मैम? एक बार भी नहीं शुरू से लेकर अभी तक नहीं मिल पाई है जी। शुरू से लेकर अभी तक हम ये पहली बार आपका देख पा रहे हैं स्लाइड। शॉर्ट में आपको इस स्लाइड के बाद एक दो मिनट में स्लाइड में फिर से दिखाऊंगा।
क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो एक एक बार आप उसको समझ पाएंगे। तो ये जो ओबेसिटी के जो अधिकतर पेशेंट जो इस समय रिपोर्ट हुए, क्योंकि कोरोना के बाद अब वो निश्चित तौर पर अब घर से बाहर निकलने की भूमिका में आए हैं, तो उनके लिए मॉडर्न होम्योपैथी इस समय चमत्कार या वरदान रूपी ट्रीटमेंट है। इसमें लगभग आप एक महीने में 10 से 11 किलो का वेट आप निश्चित तौर पर अपना बॉडी मेटाबॉलिज्म फिर से मेंटेन कीजिए और फास्ट ट्रीटमेंट के थ्रू वापस कंट्रोल कीजिए। तो उसके लिए कई प्रकार के ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इसका फायदा भी लिया, आप हमारी वेबसाइट पे या यूट्यूब पे जाकर उनके वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इस तरीके से कई पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने हार्ट और किडनी के जो पेशेंट थे जो कोरोना काल में जिन लोगों का डिस्टर्ब हुआ, तो कई लोग ऐसे थे जिनको मतलब कोरोना में दूसरे तरीके के व्याधियों के कारण ये मन में डर रहा कि हमारा इलाज कैसा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस समय केवल एक ही चीज पर फोकस कर रही थी, केवल कोरोना के पेशेंट, लगभग सभी हॉस्पिटलों में केवल कोरोना पेशेंट के लिए ही सुविधा थी और बाकी लगभग सभी कैटेगरी के जितने भी पेशेंट्स थे वो सभी सफर कर रहे थे। इवन मैं जब घर से काम कर रहा था तो उस समय जब हम लोग घर में काम मैं करने की स्थिति में बैठा था उस समय मेरे पास कोई स्टाफ नहीं होता था और मैं अकेले बैठकर लोगों के लिए कुरियर बनाता था, यहाँ पर बैठ के अकेले मैं काम कर रहा था, सुबह 6:30 से रात के 12 एक एक दो दो बजे तक मैंने काम किया। और उस समय चूंकि 300 बीमारियों का जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चलता है लगभग अन्य कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए वो बहुत ही दुविधा वाला समय था, तब जाकर हमने किसी भी तरीके से उनके लिए मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उन्हें वो वैकल्पिक चिकित्सा दिया कि अगर किसी कारण से आप कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज या कोमा से रिलेटेड कोई ऐसी गंभीर बीमारी से भी अगर पीड़ित हैं, तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारी विज्ञान था जो कि एलोपैथी के बाद भी अगर किसी पेशेंट को तकलीफ आता है और नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो हम लोग जो देते हैं, तो इस ट्रीटमेंट को हमने प्रायोरिटी के रूप में उन्हें दिया और लगभग कई सारे पेशेंट ने इसका फायदा भी लिया। आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कैंसर से रिलेटेड काफी सारे पेशेंट्स का जो डेटा है, ये जो अभी आपको मैं शो कर रहा हूँ इसमें दिख रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कुछ स्लाइड शो के दूंगा। ये कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हैं जो सभी लास्ट स्टेज के पेशेंट्स होते हैं, ये या इनकी जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग इनमें से किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोला गया था कि 3 दिन से 6 दिन या 3 महीने से ऊपर ये चल सकेंगे। लगभग सभी स्टेज 4 के पेशेंट थे, इनको लगभग सभी सिस्टम ने हाथ खड़े कर रखे थे और ऑलमोस्ट आपने जितने भी लोगों के बारे में इसमें फोटो देखी है इन सभी के वीडियो डॉक्यूमेंट्री के रूप में मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें आप निश्चित तौर पर आप एक एक पेशेंट का डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। और काफी सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी इस समय चमत्कार या वरदान है। अगर मैं आज अपनी क्लिनिक की बात करूं तो लगभग हम लोग सबसे ज्यादा काम अभी जो कर पा रहे हैं वो कैंसर के ऊपर करते हैं और कैंसर के लिए लगभग किसी भी स्टेज में आप मॉडर्न होम्योपैथी का निश्चित तौर पर फायदा लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोरोना काल में अगर किसी पेशेंट का ढंग से इलाज नहीं हुआ हो या आपको कहीं बाहर जाने में स्थिति में तकलीफ आ रही है, अगर किसी पेशेंट का वाकई कोई कैंसर का ट्रीटमेंट कहीं पर किसी डॉक्टर के थ्रू चल रहा है और आप पूरी तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसका पूरा इलाज नहीं ले पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बोलूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी खुद भी एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है और इसका पूरा वेरिफिकेशन किया जा चुका है। लगभग हम लोग 8,000 लोगों डॉक्टर्स को हम लोग ये केस शेयर करते हैं और लगभग सभी ने इसको अप्रिशिएट किया है। आप YouTube में जाकर जरूर कैंसर के कई सारे पेशेंट्स के वीडियो और प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसके बाद कई ऐसे पेशेंट थे जो किडनी की फेलियर से ग्रसित थे जिनको हमने किडनी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीटमेंट दिया जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ता है और कहीं ना कहीं उन्हें डायलिसिस का सामना करना पड़ता है। कई सारे हॉस्पिटल ऐसे थे जहां पर डायलिसिस पूरी तरीके से कोरोना काल में हो नहीं पाई और अभी भी लोग डर के मारे डायलिसिस कराने नहीं जा रहे हैं। ऐसे हमने देखा है काफी सारे लोग हैं जो कोरोना काल के बावजूद भी तकलीफ में है और ये सोच के घर में अभी हम लोग मौजूद है कि कुछ समय हम लोग शायद और देखते हैं जिसमें हो सकता है हमें कुछ अच्छा समय निकले जिसमें कोरोना के बारे में हम कुछ नियंत्रण की स्थिति में आ सके। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी किडनी फेलियर के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट दिखता है तो लगभग 22 से लेकर 24 क्रिएटिनिन तक के पेशेंट जिनका पहुंच चुका होता है जो डायलिसिस के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है उनको हम लोगों ने डायलिसिस बंद कराया है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया है। ऐसे काफी सारे क्रिटिकल पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आप मेरी वेबसाइट पे या यूट्यूब के थ्रू फिर से देख सकते हैं। ऐसे काफी सारे क्रिटिकल बीमारियां जो रिमेटोलॉजी में होती है जो पेन किलर की डिपेंडेंसी है आप उसके केसेस आप मेरे यूट्यूब के माध्यम से देखें। कोई हिमेटोलॉजी डिसऑर्डर, एप्लास्टिक एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर ऐसी कोई क्रिटिकल बीमारी जिसमें सर्जरी का सामना करना पड़ता है जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन, रिनल स्टोन, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, बच्चेदानी में गठान हो, छाती में गठान हो, ऐसे कई प्रकार की बीमारियां जो आपको मैं इस स्लाइड शो के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कोई भी बीमारी अगर आपको लगता है कि आप जैसे ये स्टोन का केस है इसमें काफी सारे पेशेंट ने स्टोन का मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से सर्जरी बचाया, इस तरीके से अगर किसी पेशेंट को स्टोन का प्रॉब्लम है या फिर कह सकते हैं कि आपको कोई फाइब्रोएडिनमा ये छाती में गठान का कोई केस हो जिसमें अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट जो सर्जरी के लिए बाध्य हो रहे हैं तो इनको आप सर्जरी से बचा सकते हैं।
अगर आप कोई पेशेंट ऐसा है जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है या फिर किसी प्रकार से लीवर में कोई फैटी लीवर डीजनरेशन वाला कोई प्रोसेस है, तो काफी सारे पेशेंट जो गॉल ब्लैडर को ऑपरेट कराने के लिए मजबूर होते हैं, उनको भी आप इस मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से सर्जरी के विकल्प देकर आप इनको निश्चित तौर पर बचा सकते हैं। साथ में जो एक और बीमारी जिसके बारे में मैंने बात किया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि थोड़ा लाइलाज बीमारी मानी जाती है, इसमें हम लोग बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं और इसमें काफी सारे बच्चों ने अभी इसमें इलाज प्राप्त किया है और लगभग 46,000 सीपी के लेवल की भी जो बीमारी हम लोगों ने कई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स में देखा, उनको हमने कंट्रोल करके आज के डेट में 16,000 तक लाया, कई 12,000 के लेवल से हमने 2,000 के लेवल पे रिपोर्ट प्राप्त की। ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं, मैं इस स्लाइड शो में पूरी तो आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब या उसमें जाएंगे तो जरूर निश्चित तौर पर काफी सारे पेशेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें कई पेशेंट को पीठ दर्द की जो समस्या हुई, या फिर कह सकते हैं कि काफी सारे स्लिप डिस्क के पेशेंट या रिमेटोलॉजी के पेशेंट जो कि दर्द के कारण काफी तकलीफ में थे, उस समय ऐसे पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी ने काफी मदद किया। इसमें कई प्रकार के पेशेंट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं जिनको हम लोगों ने 3 दिन से लेकर 15 दिन के ट्रीटमेंट में सर्जरी से पूरी तरीके से मुक्त किया। इस स्लाइड शो के पहले जो मैं कुछ स्लाइड शो मिस कर गया था उनके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। ये कुछ एलर्जी की स्लाइड्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमने कोरोना काल में काफी सारे एलर्जी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी दिया और ये आज भी अगर किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है तो इन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस मॉडर्न होम्योपैथी का निश्चित तौर पर फायदा लेना चाहिए। इसमें काफी सारे पेशेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। कई प्रकार के पेशेंट जिनमें हमने बात की, जिनको हमने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से उलझते देखा, उनके बारे में ये एक स्लाइड शो था जो हमने शेयर किया था थोड़ी देर पहले। आप इनको इनके बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं, इनकी कहानी पढ़ सकते हैं। लगभग सभी लोग के बारे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हम लोगों ने मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा दिया, ये इनके बारे में उसमें उन्होंने अपने बारे में लिख रखा है। माइग्रेन की जो श्रेणी पे हमने बात किया था कि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी जो बिना कारण का सिर दर्द, जिसमें किसी भी कारण की जरूरत नहीं है और कोरोना काल में सबसे ज्यादा माइग्रेन दिखा गया, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम पे मॉडर्न होम्योपैथी ने चमत्कार रूप से काम किया और माइग्रेन का दुनिया में कोई इलाज अभी तक बताया नहीं गया है। इसलिए मॉडर्न होम्योपैथी 1000% ट्रीटमेंट देती है, ऐसा मेरा विश्वास है और दावा भी है। इसको पुष्टि करने के लिए काफी सारे पेशेंट का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोरोना काल में काफी लोगों ने वेट गेन किया, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग ले सकते हैं। ये सभी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है जिनके कारण कहीं ना कहीं लोगों ने फिजिकल रूप से ग्रसित किया अपने आप को। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो लोगों ने डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर के नाम से तकलीफ में अपने आप को पाया, उसके लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी, चूंकि ये डर को खत्म करने का बहुत बड़ा ऑप्शन था, इसके लिए मैंने जो कुछ साइट शेयर किए थे आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें आपने काफी सारे पेशेंट का इलाज इसमें प्राप्त करने का जो भूमिका है उन्होंने बता रखा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी खुद ही इम्यून बूस्टर को बढ़ाने वाली दवाइयां हैं और ये इम्यूनिटी के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। मैं कुछ क्रिटिकल पेशेंट की बात करूंगा। अपने महालक्ष्मी नगर में हमने एक पेशेंट है, ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये पवन जैन जी जो पीछे रहते हैं मेरे घर के पीछे 213 सेक्टर के पीछे वाली लाइन में, आप में से कई लोग इनको परिचित होंगे। ये भी मेरे पेशेंट हैं और जिस समय इनका जब इलाज हुआ था कोरोना के पहले, तो ये आईसीयू में एडमिट थे और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट की कैटेगरी में कोमा में थे। इनका ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसके बाद इनकी स्थिति ऐसी थी कि जो आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं कि कोमा की स्थिति थी, और केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, ये इनके लिखे हुए, इनकी वाइफ के लिखे हुए साक्षी समीक्षा जी के शब्द हैं, आप इनकी कहानी पढ़ सकते हैं पवन जैन जी के बारे में, कि ये आज के डेट में मेरे घर पे जब आए थे तो ये वॉकर से जब चल के आए और इस तरीके से हमने इनको प्रस्तुत देखा कि ये बिल्कुल खुद के बारे में आज के डेट में खुद से व्याख्या कर सकते हैं। और ऐसे कोमा के लिए मॉडर्न होम्योपैथी वरदान या चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे ही एक और पेशेंट जो कोमा के बारे में आपको मैं वेरीफाई करूंगा कि मिस्टर गुप्ता जो कि राजगढ़ के रहने वाले थे, जिनको आखिरी स्टेज पे कोमा में छोड़ दिया गया था, और इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जब फायदा लिया तो 5 दिन के अंदर कोमा से बाहर आए। तो मॉडर्न होम्योपैथी कुछ ऐसा भी मिरेकल है जब अस्पताल में गंभीर रूप से आखिरी स्टेज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए हम लोग जब देते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए चमत्कार या वरदान से कम नहीं होता। तो ऐसे काफी सारे क्रिटिकल पेशेंट की डेटा और रिपोर्ट्स आप मेरी वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। एक जो बीमारी हमने बात की अभी कोरोना काल में, डायबिटीज, जो काफी सारे पेशेंट्स की अभी हमने देखा कि कोरोना के कारण उच्च जो भी खान पान हमारा डिस्टर्ब हुआ उसमें काफी पेशेंट्स के डायबिटीज शुगर रिपोर्ट्स बढ़ती गई, तो लगभग सभी पेशेंट का डेटा मैंने कुछ शेयर किया हुआ है, आप इनकी रिपोर्ट देखेंगे तो करीब 12-13 क्रिएटिनिन के लेवल तक जो क्रिएटिनिन पहुंच गया था वो भी कंट्रोल होकर किसी भी तरीके से आज नॉर्मल स्थिति में आ पाया है और निश्चित तौर पर इनको मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा मिला। इन्होंने भी इंसुलिन बंद किया और अगर कोई दवाई चल रही है तो उसको टेपर डाउन करके पूरी तरीके से बंद किया। एक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे, अगर वाकई आपको किसी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और जो जीवन भर चलने वाली एपिलेप्सी, ऐसी कोई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर आपको पहले दिन अगर पता चलता है कि ये बीमारी अगर किसी को ग्रसित है, तो
आप मॉडर्न होम्योपैथी का इलाज लीजिए और ये हमारा विश्वास है, वो जो कंटिन्यू स्लाइड है, जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है वो जो ट्रीटमेंट है पहले महीने अगर हम प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपको दूसरे महीने में कभी भी बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवा का सेवन नहीं करना पड़ेगा। और जो पेशेंट ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इसका सेवन कर रहे हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन करते हैं ताकि आपका बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव हो और फिर से आप उन दवाइयों को छोड़ने की मुद्रा में आ सके ताकि बॉडी खुद से काम करे और रिस्पॉन्स लेवल पे, मेटाबॉलिज्म पे पूरा आपका असर दिखे। तो उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी चमत्कार है, आपकी दवाइयां धीरे धीरे बंद करके आप बंद कर पाएंगे और बाद में जाकर आप होम्योपैथी की, मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारा ट्रीटमेंट है वो भी बंद कर सकते हैं और निश्चित तौर पर बिना किसी दवाई के भी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस एक स्लाइड शो में आपको अंत में प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा आपको कई पेशेंट्स के डेटा को हमने कंपाइल करके बनाया हुआ था। आप इसके बारे में, आपको ये स्लाइड शो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप प्लीज इस पे एक बार विजन रखेंगे। सर स्लाइड शो विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ, जी जी हो रहा है। ये जो आप स्लाइड शो देख रहे हैं, ये जो स्लाइड शो देख रहे हैं इसमें लगभग कई प्रकार की बीमारियां हैं जो अलग अलग कैटेगरी की हैं। मैं ये कोमा का पेशेंट, मैं कुछ थोड़ा थोड़ा बीच में आपको हो सकता है कि हिंट दे दूं, ये ल्यूपस की बीमारी एसिलिटीसिस होती है जो कि लाइलाज मानी जाती है, जेनिटल सेप्सिस, ऐसे काफी सारे पेशेंट के डेटा आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो वैसे भी आप इसको देख सकते हैं। ये एलर्जी के पेशेंट्स की, ये किडनी के पेशेंट्स, इनके सभी के लिखे हुए शब्द इनके नाम और नंबर के साथ भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। थायराइड के पेशेंट करीब 2500 पेशेंट का डेटा वेबसाइट पे या आप यूट्यूब में आप मेरे उसके जो शेयर किए हुए डेटा है उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। लगभग वो बहुत बड़ा डेटा है इसलिए शेयर करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतनी छोटी सी एक हमारे वेबिनार का जो समय है उसमें समयावधि के कारण मैं इतनी बातें नहीं बता पाऊंगा। पर शॉर्ट में एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि दुनिया में 300 प्रकार के ऐसी बीमारियों के लिए जिसका इस वक्त कोई इलाज नहीं है, निश्चित तौर पर हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो बैकग्राउंड का जो अनुभव जो मुझे प्राप्त हुआ है एलोपैथी हॉस्पिटल का, 19 घर में डॉक्टर्स हैं प्लस मेरे खुद का 13 साल का हॉस्पिटल का एक्सपोजर रहा है जिसमें पूरे क्रिटिकल केस का हम लोगों ने हैंडलिंग किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको मैंने मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से जब लॉन्च किया है तो ये दुनिया के लिए इस समय चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स इसमें जो ठीक हुए आज उनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर इस चमत्कार का फायदा आपको उस पूरे तरीके से विचार में देखने में आता है। और ये जब डाटा जो हमारा जो 2500 पेशेंट का जो हम लोग शेयर कर रहे हैं ये लगभग एक पूरा रिसर्च है जो कि आगे जाकर कहीं ना कहीं पब्लिश होगा, दुनिया में जब सबमिट किया जाएगा WHO को तो इसके ऊपर एक थ्योरी बनेगी और हो सकता है आने वाले जनरेशन पे हम लोग इसको पढ़ाई के रूप में भी मॉडर्न होम्योपैथी का अध्ययन करेंगे। और होम्योपैथी से जो अभी तक जो भ्रांतियां हैं कि हम लोग स्लो ट्रीटमेंट करते हैं, परहेज बहुत देते हैं, इसमें बहुत साइड इफेक्ट तो नहीं होता पर बड़ा मतलब सर्दी खांसी बुखार से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये सभी भ्रांतियों को खत्म करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का जन्म दिया गया है। और निश्चित तौर पर जैसे 8000 डॉक्टर्स को मैं शेयर करता हूं और उनको मैं सिखाता हूं मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक क्लियर मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी 300 प्रकार की बीमारी जिसमें आपको लगता है कि दुनिया में कोई इलाज नहीं हो पा रहा है या आप ग्रसित हैं, अगर आपको लगता है कि उसे हमें जड़ से खत्म करना है या फिर वापस उन बीमारियों पर हमें मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके इन दवाइयों से मुक्ति पानी है तो आप मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार का फायदा लीजिए। और क्रिटिकल केस, कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज कोमा, सर्जरी या ऐसी बीमारियां जिन पे सर्जरी बिल्कुल मस्ट कर दी गई कि इसके बिना आपका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप जरूर मुझसे मिलिए या फिर अगर लगे तो आप मुझे अपने जो नंबर से उसे व्हाट्सएप से आप मुझे रिपोर्ट शेयर कर दीजिए। ऐसे करीब काफी सारे पेशेंट है जो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी हमसे जुड़े रहते हैं और चूंकि मैं आपके बीच का ही हिस्सा हूँ, महालक्ष्मी नगर में ही निवासरत हूँ तो आपके परिवार के रूप में ही मौजूद हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में भी अगर ऐसा कोई पेशेंट देखने में आता है तो निश्चित तौर पर मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ, जिसमें आपको लगता है कि अगर किसी प्रकार से मुझसे हेल्प की उम्मीद है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। और निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट ने, 2500 पेशेंट ने अपना फायदा लिया और दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, और निश्चित तौर पर मैं भी आप लोगों के लिए मदद कर सकूंगा और आपके बीच में समाज में रहकर इस समाज का पार्ट बनकर और कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा रह सकूंगा।
आप अंत में मैं आप लोगों से मैडम से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है कुछ क्वेश्चन आंसर के तौर पर, तो आप प्लीज सभी के माइक ऑन करिए और स्टेप बाय स्टेप आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अपन कोई क्वेरी है तो अपन यहाँ पे एक शॉर्ट में ब्रीफिंग कर सकेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की शंका रह जाती है तो निश्चित तौर पर हम लोग महालक्ष्मी नगर ग्रुप में ही है, तो आप कभी भी मेरे घर पे या फिर मेरे से पर्सनली कभी भी बात कर सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की शंका है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, तो हो सकता है मैं आपके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज इतनी बेहतरीन और उम्दा जानकारी हमें मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में सभी को शेयर की, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और काफी सारे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, तो वन बाय वन में आपसे वो जो क्वेश्चंस है वो आपसे शेयर करती हूँ, पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, अवधेश जी सर हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स में वीक मेमोरी और जॉइंट पेन होता है, जनरल है, बहुत ही कॉमन है, तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं मॉडर्न होम्योपैथी के लिए कुछ है? सर का क्वेश्चन अंतर का बहुत सही है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है लगभग उस वक्त ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, और उस समय जॉइंट्स में लगभग पेन होना बहुत ही कॉमन मुद्रा होता है, प्लस कुछ फ्रूट कम होना और यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना, प्लस कुछ कई पेशेंट्स को हम लोगों ने जब उससे ऊपर के लेवल में पाया कि गठिया के कई पेशेंट्स ऐसे देखने में आए जाते हैं जो हम लोग मानते हैं कि कई प्रकार की दर्द की बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप सेफ ट्रीटमेंट लेकर दर्द को भी कंट्रोल करें और अपने को इस दर्द को बढ़ने से भी रोकें, क्योंकि सेफ ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें अगर पेन किलर खाते हैं तो स्टेरॉइड या पेन किलर का सामना करना पड़ता है, और स्टेरॉइड और पेन किलर खाने के कारण लीवर और किडनी के काफी सारी डिसीज के ऊपर लोगों को तो बाद में पता चलता है कि इसके कारण घटित होना पड़ा, जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो ये बात बहुत खुलकर सामने आती है कि इन्होंने काफी हद तक पेन किलर खाने का कहीं ना कहीं सेवन किया था, और ये जो बीमारी है ज्यादातर दबाने से ठीक नहीं होती है, तो ज्यादा अच्छा है कि इसको आप जड़ खत्म करें। मॉडर्न होम्योपैथी इसमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें हम इस तरीके की बीमारियों को ऊपर से नहीं अंदर से मेटाबॉलिज्म सही करते हैं और जड़ को भी पूरा खत्म करें पेन की मुद्रा से लेकर, और अगर आपकी रिपोर्ट है अगर आरए फैक्टर एनए फैक्टर सीआरपी पॉजिटिव एंटीसीसीपी या फिर जो ईएसआर बढ़े हुए होते हैं, अगर वाकई रिमेटोलॉजी की पेशेंट्स की रिपोर्ट्स अगर आप पाते हैं कि जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है, हम लोगों ने काफी पेशेंट की रिपोर्ट निगेटिव किया है, आप अभी मेरे जो लेटेस्ट जितने भी यूट्यूब में जाएंगे तो काफी सारे पेशेंट की डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसमें सबसे ज्यादा अभी रिमेटोलॉजी के पेशेंट्स आप देख सकेंगे। दूसरा अंकल का क्वेश्चन था कि वीक मेमोरी के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो वीक मेमोरी एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नॉर्मल फिनोमिना है जो कि ओल्ड एज में बहुत ही कॉमन देखने में आता है, क्योंकि धीरे 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 हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कमजोर होती जाती है, तो मॉडर्न होम्योपैथी का काम ये होता है कि हम लोग जिस तरीके से पार्किंसन के पेशेंट अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर जो कुछ न्यूरोलॉजिकल एम्बरेसमेंट के जो कुछ केसेस आते हैं उसमें हम लोग जो नर्वस सिस्टम पे जो दवाइयां देते हैं उसका फायदा ये मिलता है कि हमको ऊपर से नहीं अंदर से नर्वस सिस्टम पे उन्हीं न्यूरॉन्स पे उन सेंटर्स पे हम लोग काम करते हैं जहां से ये रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर हम वहां से अगर उन दवाइयों से इन दवाइयों से अगर उस सेंटर्स की अगर ताकत बढ़ा देते हैं या फिर वो जो न्यूरोसेंसरी लॉस हो रहा है अगर उसको हम कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो डीजनरेशन प्रोसेस है उसको हम रोक पाते हैं और उसका फायदा उनको आगे अपनी स्थिति में भी समझ में आता है, और उस प्रोलोंगेशन करने का एक सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो चीज हमें 4 दिन के अंदर जो डिरेंजमेंट में दिख रही है हो सकता है वो आगे जाकर 10 साल बाद हमें दिखे, और अगर हम लगातार इस पर अटैक करते हैं तो हो सकता है वो 10 साल बाद भी वो स्थिति ना दिखे, तो ये होता है बॉडी रिस्पॉन्स जिसके लिए सभी पेशेंट का अपना अपना रिस्पॉन्स एक्टिव होता है। मॉडर्न होम्योपैथी का काम होता है आपके जो खोया हुआ रिस्पॉन्स है उसको हम वापस दें, क्योंकि ये ऊपर से कुछ भी नहीं कर रहा है, जो भी करेगा नेचुरल तरीके से आपको वापस मेंटेन करके लाइफस्टाइल वापस प्रदान करता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और प्रश्न हमारे पास आया है, एके जैन सर पूछना चाह रहे हैं, अनिद्रा के लिए भी कोई इलाज है मॉडर्न होम्योपैथी में? मॉडर्न होम्योपैथी में अनिद्रा बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर माना जाता है और कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी नहीं है, अगर अनिद्रा का कोई कारण है जैसे अभी कोरोना काल में भी कई लोग तो ज्यादा सो के थक गए और कुछ लोगों को इसलिए अनिद्रा का शिकार होना पड़ा, डिप्रेशन में आने का एक कारण ये भी था कि उनके मन में डर बैठ गया था कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे बाजू में कुछ हो रहा है या फिर मेरे शहर में कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसे काफी पेशेंट्स हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हैं, मेरे यूट्यूब में या वेबसाइट में काफी लोगों ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, पर अनिद्रा के लिए मॉडर्न होम्योपैथी काफी अच्छा ट्रीटमेंट है, केवल एक मदर टिंचर में पैसी फ्लोरा जो हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं तो पैसी मदर टिंचर जो कि नीम की गोली जो यूजुअली एलोपैथी में हम लोग जो सेडेटिव के रूप में लेते हैं उसका एक विकल्प है और काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि उस दवाई से हमें काफी सारे साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है, इवन उस दवाई की आदत भी हो जाती है।
पर मॉडर्न होम्योपैथी जो में हम लोग चूंकि बेसिक कॉज पे काम करते हैं, तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर का उपयोग लीजिए, 30 से 60 बूंद रात को सोते समय ले लीजिए, और अगर किसी कारण से अनिद्रा अगर वाकई अपने शरीर में दिख रही है तो उस कारण का जो मेन मेडिसिन है उसको आप साथ में लीजिए। जैसे अगर कोई डर के मारे अनिद्रा है, किसी बीमारी के डर के मारे अगर अनिद्रा की स्थिति है, या फिर कोई फिजिकल किसी और प्रॉब्लम के कारण है, तो उससे रिलेटेड आपका मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी दवाई का सिलेक्शन होता है उसका आप साथ में एक डोज जरूर लीजिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग उसको पूरी तरीके से कवर कर सकें। और केवल नींद की अगर प्रॉब्लम है, जो बेसिक अगर लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर आप 30 से 60 बूंद रात में लेकर इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं, बिना आदत लगाए, बिना साइड इफेक्ट के, बिना परहेज के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और प्रश्न हमारे चैट बॉक्स में आया है जो कि काफी सीरियस मुझे लगता है। एक सर है आरके बमोरिया सर, वो कह रहे हैं पॉलीन्यूट्राइटिस यानी एक पैर की वॉलंटरी नर्व्स जवाब नहीं दे रही। 1981 में ये हुआ था उन्हें और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि नर्व्स जवाब नहीं दे रही है, और अब 39 इयर्स के बाद उनका पैर भी गलने लगा है, तो इस पर आप कुछ बता पाएंगे? ये जो बीमारी है बेसिकली पूरा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें मॉडर्न होम्योपैथी का सही मायनों में उपयोग किया जा सकता है। मैंने आपको एक चीज अभी अपने वीडियो के शुरू में बोला था कि जिन बीमारियों पे एलोपैथी जाकर फेल हो जाती है, दुनिया में अधिकतर साइंस जाकर अभी भी रिसर्च की मुद्रा में है, लगभग 70% बीमारियों पे आज भी काम चल रहा है जिसमें हम केवल मेंटेनेंस ले रहे हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हुआ है। और उसका मुख्य कारण यह है कि जितनी भी ऑटोइम्यून या डिस्ट्रक्शन की जो बीमारियां होती है उसमें हम लोग ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर जो डीजनरेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो प्रोग्रेसिव जो मोड है, जो पैरासिम्पेटिक सिस्टम पे जो असर आ रहा है उसको हम पूरी तरीके से नहीं रोक पाते, इसलिए ये जो बीमारी है काफी हद तक आगे बढ़ जाती है। और ऐसे ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी में काफी पेशेंट्स की आप वीडियो अभी भी लाइव देख सकते हैं, जिसमें आप न्यूराइटिस से लेकर जो पॉलीन्यूरोपैथी, इवन आप पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसे काफी वीडियो हम लोगों ने दिए हैं, ऐसे काफी लोगों की रिपोर्ट्स आप शेयर कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी किस तरीके से ऊपर से नहीं आपके नर्वस सिस्टम पे अंदर से काम करती है और वापस आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देती है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम दोनों पर असर लाती है, और जो नर्वस सिस्टम जहां से उसका रेगुलेशन होता है वहां से वो न्यूरो सेंसरी जो कोऑर्डिनेशन है उस ब्लॉक को खोलती है, ताकि वो पूरे तरीके से सेंसेस में पूरा क्लियरिटी के साथ सर्कुलेशन हो, और निश्चित तौर पर उसका फायदा उन्हें ऊपर से जब आप जो ट्रीटमेंट देते हैं न्यूरोलॉजिकल दवाइयों को उसी को जब अंदर से आप मेंटेन करते हैं तो आपका बॉडी का खुद का रिस्पांस एक्टिवेट होता है, और इसी तरीके के जो ट्रीटमेंट से पैथोलॉजी पर जब हम लोग अटैक करते हैं तो वो रिपोर्ट्स में भी साबित होता है और कहीं ना कहीं आपको जो आपकी फिजिकल कंप्लेंट्स है उसमें भी असर में जो आराम है उसके रूप में प्राप्त होता है। इस बारे में काफी सारे वीडियो शेयर किए जा चुके हैं, मैं भमरिया सर से मेरे तो यूजली कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे भी बात होती रहती है, पर अगर इस तरीके की वाकई इनको स्थिति है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में और आपको विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, और आपको इससे रिलेटेड काफी वीडियो मेरे YouTube पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उनके बारे में एक बार जरूर देखिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न हमारे पास आया है महेंद्र कुमार शर्मा सर का, वो कह रहे हैं कि वे खुद लिम्फोमा से ग्रसित है और करीब 6 कीमोथेरेपीज हो चुकी हैं और वो ठीक महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना पीरियड में वो अपने डॉक्टर को विजिट नहीं कर पाए, फॉलोअप नहीं ले पाए, तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई है और वो फिर भी योगा कर रहे हैं, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? मैं आपको सजेशन रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप कैंसर में कीमोथेरेपी के बाद कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आप साथ में मॉडर्न होम्योपैथी स्टार्ट कर दीजिए। मॉडर्न होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं इसमें हमने क्लियरली अपने प्रोटोकॉल में लिखा है कि आप एलोपैथी दवाइयों के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी में एलोपैथी होम्योपैथी साथ में लिया नहीं जा सकता, पर मॉडर्न होम्योपैथी का संरचना ही इसी हिसाब से किया गया है कि अगर आखिरी स्टेज में भी पेशेंट आता है तो किसी भी तरीके से हम उनको कवर कर सकें। तो यूजुअली कई बार पेशेंट कीमोथेरेपी के साथ आता है या कीमोथेरेपी के बाद आता है, तो ऐसी भी स्थिति में कैंसर के काफी सारे पेशेंट के आप जो रिपोर्ट देखेंगे, मैंने आपको अपने वक्तव्य में भी बताया कि कैंसर पे हम लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, आप इसमें ब्लड कैंसर से रिलेटेड काफी सारे वीडियो देख सकते हैं जिनमें हमने केवल 7 से 15 दिन में उनकी रिपोर्ट चेंज की। आप मिस्टर कुलदीप शर्मा या ऐसे काफी सारे पेशेंट्स की वीडियो मेरे उसमें लाइव है, आप जाकर उस पे पर्सनली इसको शेयर देखिए, और निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आप चालू करिए। इसमें आपको 4 फायदा एक साथ होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार की कैंसर की स्थिति है इसमें हम अगर ब्लड कैंसर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो हम आपका कीमोथेरेपी का काम भी इसकी दवाई से करते हैं, यानी अगर हम आपके सेल्स को जो डिस्ट्रक्शन कर रही है उसको, जो मेटाबॉलिज्म बोन मेरो जो सप्रेस हो रहा है और कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है उसको हम पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से बढ़ने से रोकते हैं और इसको फैलने से रोकते हैं,
उसके बाद आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स जो डिस्टर्ब हो रहा है जिसके कारण आपको कमजोरी आ रही है, जब यही दवाइयां जब अंदर से आपकी ताकत देती है तो कहीं ना कहीं आपको इम्यूनोथेरेपी का भी काम करती है। तो कैंसर में हम लोग जो चार प्रकार के ट्रीटमेंट जो एक ही दवाई से दे पाते हैं, इसका नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, जिसमें हम कीमोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इन चारों का काम एक साथ मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कारिक रूपी ट्रीटमेंट से प्रदान करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर किसी पेशेंट का लिम्फोमा है या कोई गठान में अगर आपको लिम्फेडेनोपैथी के रूप में भी अगर आपको ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हो रही है तो आप इसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से डिसॉल्व कर सकते हैं। करीब 8 से लेकर 11-11 सेंटीमीटर तक की गठाने लोगों ने कैंसर की मॉडर्न होम्योपैथी से डिसॉल्व किया। इसके बारे में काफी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हम लोगों के पास अवेलेबल है, आप सभी को वेरीफाई भी कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा आपके लिए भी ले सकते हैं। आपसे भी अनुरोध है, अगर वाकई आप इस बीमारी के कारण फॉलोअप नहीं ले पा रहे हैं, तो मैंने जैसे वीडियो में बोला कि कैंसर के और किडनी फेलियर के कई सारे पेशेंट इस कोरोना काल के कारण अपने रूटीन ट्रीटमेंट से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा, डॉक्टर्स की एबिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो बीमारी है वो किसी कोरोना काल का मोहताज नहीं होता है। तो ऐसी बीमारी के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी एक ऑलरेडी एक विकल्प के रूप में सामने आया है, काफी सारे डॉक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट भी किया है और लगभग इसका जो थ्योरी है आगे जाकर निश्चित तौर पर पूरे एक्सेप्टेंस में भी आएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वाकई इस तरीके की तकलीफ है तो आप मेरे पर्सनल ब्रॉडकास्ट में ये अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, या फिर घर में अगर आप दिखाना चाहें तो आप घर पे भी आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ मुझसे परामर्श कीजिए। अगर मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं आपको किसी भी तरीके से इन चारों चीजों का जो संरचना जो हमने बनाया है वो हम प्रदान करें और आपकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनिटी का काम हम तीनों को अपनी दवाइयों से करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर आने वाले रिपोर्ट्स में आपको साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है कि अगर किसी को 10 साल पुराना पैरालिसिस हुआ है तो क्या वो ठीक हो सकता है, ऑल्दो उनकी एज अबाउट 70 है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्लॉट ऑल्दो उनको अब नहीं है लेकिन क्या वो ठीक हो सकते हैं? मैंने आपको अपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन में एक कोमा के पेशेंट के बारे में बताया, आप समझिए इस पेशेंट की क्या मुद्रा होगी अगर ये नर्वस सिस्टम पे हम लोग जो पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, आप जो 10 साल की बात कर रहे थे, मैंने आपको उससे ऊपर का लेवल ले जाकर एक बात बताई कोमा के पेशेंट्स के बारे में, जिनका पूरा न्यूरोलॉजिकली इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुका है, ब्रेन डेड की स्थिति में आ चुका है और नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगर ऐसे पेशेंट को हम कोमा से बाहर निकाल सकते हैं तो समझिए मॉडर्न होम्योपैथी का कितना डीप पेनिट्रेशन पावर होगा जो उसको इस स्थिति में बाहर लाने के लिए मदद करता होगा। तो ऐसे पेशेंट के मिरेकल्स जो वाकई का अगर चमत्कार होता है तो मेरे ख्याल से कोमा से बड़ा चमत्कार मैंने अपने करियर में नहीं देखा, और ऐसे काफी सारे पेशेंट बाहर आए। अपने कॉलोनी में मिस्टर पवन जैन का मैंने एग्जाम्पल भी आपको शेयर किया, हमारे बीच में ही वो रहते हैं। तो कभी भी इस तरीके के पेशेंट के लिए मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले बोला कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी काफी अच्छा काम करती है, क्योंकि कम से कम डोज में ये अंदर से एक्टिवेट करती है, तो नर्वस सिस्टम पे जो असर आप ऊपर से करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अंदर से करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी में चार गोली चार मुन की होम्योपैथी नहीं होती, इस बारे में मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा कि ज्यादातर होम्योपैथी के जो डोज होते हैं बड़े स्लो होते हैं, तो चार गोली चार मुन की होम्योपैथी होती है, और मॉडर्न होम्योपैथी में हम लोग अटैक करते हैं। तो जैसी बीमारी की अवस्था है, जैसा उसका संरचना मिलता है, जैसी पैथोलॉजी हमें प्राप्त होती है, तो ये ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पावर पे भी जा सकते हैं। तो 50 लाख पावर की दवाइयां जो कि हम लोग मेटालास्टिक डोज के थ्रू मॉडर्न होम्योपैथी में अटैक करते हैं उस बीमारी पर बिना साइड इफेक्ट के, बिना परहेज के, तो निश्चित तौर पर ऐसे काफी पेशेंट ने पैरालिसिस से जब रिकवर किया है उनके भी वीडियो, और आप उनके जो पार्किंसन, अल्जीमर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिडिटी डिसीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस टाइप के जो पेशेंट, प्लस ब्रेन हेमरेज के बाद के जो पैरालिसिस के पेशेंट जो बिल्कुल पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है एक तरीके से, या फिर हेमिप्लेजिया के शिकार है एक तरीके एक साइड का हेमिप्लेजिया को फेशियल पाल्सी, ऐसे काफी पेशेंट्स के रिपोर्ट 2,500 पेशेंट के डेटा में अवेलेबल है, आप उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनका राय भी ले सकते हैं, उसमें नाम नंबर भी मौजूद होते हैं। तो आपके लिए तो ये निश्चित तौर पर ये जब सब तरीके से जब मना किया गया है तो मॉडर्न होम्योपैथी शायद इसी तरीके के पेशेंट के लिए और अच्छा बनाई गई है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा लिया जा सकता है। आपसे भी अनुरोध है अगर आपको लगता है कि आप मुझे कभी उनका एक मिनट का वीडियो शेयर कर सके और उनकी रिपोर्ट शेयर कर सके तो निश्चित तौर पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे पेशेंट को हम कोमा से जब बाहर लाने के लिए जो मेहनत करते हैं उसी तरीके से पैरालिसिस से बाहर लाएं, और हो सकता है कि शायद ये वीडियो आज आपके लिए कुछ इसमें एक नई जानकारी, निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको लेना भी चाहिए। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि कुछ होती है, कुछ भ्रम होते हैं कि होम्योपैथी का इलाज जब चलता है तो कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज और लहसुन का सेवन, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप आज ये क्लियर करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं जो मैंने शुरू में बताया था कि होम्योपैथी में काफी सारी भ्रांतियां हैं,
तो उसमें सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि होम्योपैथी स्लो होती है, तो उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि 50 लाख पावर तक की दवाइयों का हम लोग उपयोग करते हैं और 4000 नई दवाइयों का उपयोग करते हैं तो फास्ट है ये, तो ये 5 दिन में रिपोर्ट चेंज हो सकती है। ऐसे भी रिपोर्ट हमारे पास होती है जो पैथोलॉजिकल केस में 5 दिन में जो एलोपैथी में नहीं हो सकते वो हमने जो आविष्कार किया है उसके माध्यम से लोगों ने प्राप्त किया है। आपको मैं जो एक स्लाइड दिखा रहा हूँ उसमें आपने एक इजी मॉड का जो ट्रीटमेंट लिखा है, मैंने जो सेकंड पॉइंट है आसान विधि इजी, इसमें हमने एक शब्द लिखा है कि आधुनिक होम्योपैथी में दवाइयों को लेते समय खान पान या तीव्र गंध वाले पदार्थ का सेवन ना करने का परंपरागत नियम नहीं है। इसका मतलब यह है क्योंकि दवाइयों की उच्च गुणवत्ता एवं उच्च शक्तिकृत होने के कारण इन सभी छोटी मोटी भ्रांतियों का आधुनिक होम्योपैथी में कोई स्थान नहीं है। इसी कारण आधुनिक होम्योपैथी बिना किसी रुकावट एवं नियमों के विपरीत दवाइयों का नाश्ता न कराकर कम से कम दवाइयों में उच्चतम चिकित्सा आदान से आसानी से प्रदान करता है। ये मेरा लिटरेचर है जो मैंने आपको शेयर किया, आप मेरे मॉडर्न होम्योपैथिक लिटरेचर में पढ़ सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से बताना चाहूंगा कि चूंकि पहले क्या होता था कि क्लासिकल होम्योपैथी में हम लोग एक डोज या क्लासिकल मॉड में एक डोज या दो डोज के ऊपर निर्भर रहते थे, तो उसमें काफी सारे हमको परहेज का सामना करना पड़ता था क्योंकि हमें उसी दवाई को एक्शन लाना है और उसी से पूरा फॉलोअप लेना है। मॉडर्न होम्योपैथी इस तरीके से नहीं बनाई गई, इसमें हम लोग अटैक करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे जो डोज होते हैं वो मेटलास्टिक डोज होते हैं, जस्ट लाइक एलोपैथी सिस्टम हम लोग पैथोलॉजी जीनेसिस क्राइटेरिया को यूज करते हैं और पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं, तो हमारे पास एक डोज की थ्योरी नहीं होती है। जिस प्रकार की बीमारी रहती है हम लोग उस तरीके का पावर का सिलेक्शन करते हैं और उस तरीके से उस पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो चूंकि दवाइयों का जो पावर है वैसे भी हाई है, तो मान के चलिए कि हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि आपको ये खाना ये नहीं खाना ये खाना ये नहीं खाना, तो इस बात पर हम लोगों को मैटर नहीं रहता। हम लोग बिना परहेज का ट्रीटमेंट देते हैं। मेरे काफी सारे पेशेंट जो आप लोगों से जुड़े होंगे या किसी प्रकार से ट्रीटमेंट आज ले रहे होंगे, आप उनसे वेरीफाई करेंगे तो डॉक्टर साहब का सबसे अच्छा जो पार्ट है कि हमें परहेज नहीं देते। तो ऐसा क्या करते हैं जो परहेज नहीं देते और फिर भी रिजल्ट आता है? तो इसका मतलब यह है कि हम लोग पावर ज्यादा रखते हैं, हम लोग पेशेंट को परहेज से ज्यादा आपका रिस्पांस बढ़ाने पे विश्वास रखते हैं। तो हम लोग पावर इतना रखेंगे कि आपकी बॉडी का रिस्पांस एक्टिवेट हो, बजाय ये कि आप परहेज करके इस तरीके से जीवन भर परहेज का सामना करना पड़े। तो इस तरीके के परहेज को हटाते हुए हमने मॉडर्न होम्योपैथी इस तरीके से डिफाइन किया कि आप बिना परहेज भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमारे साथ इतनी उम्दा और बेहतरीन जानकारी शेयर की। और आपने कहा भी कि आपने 2 मार्च से जो अभियान शुरू किया था, जो सोशल वर्क स्टार्ट किया था कोरोना प्रिवेंटिव मेडिसिन का, और उसको 60,000 लोगों तक आपने पहुंचाया, उसमें से मेरी फैमिली और मैं भी खुद एक हूँ जो आपके आभारी हूँ कि उसका सेवन, उन दवाइयों का सेवन हम सभी ने किया, तो उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और आपके इस अभियान में हम सब आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित ही हम इसका जो आपका अभियान है उसको 1 लाख से ऊपर पहुंचाएंगे और सभी मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। तो अब हम समय की सीमा को देखते हुए अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं और मैं एक बार फिर रानड़े सर से निवेदन करूंगी कि वे आए और अपने अंतिम दो शब्दों से इसका समापन करें। नमस्कार, मेरे ख्याल से आज की जो वेबिनार है अभी तक हुए वेबिनार में सबसे बेस्ट वेबिनार मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसे असाध्य रोग जो शायद एलोपैथी में जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर साहब ने आज विस्तार पूर्वक इन सभी के ऊपर चर्चा करी। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी जो जिन्होंने भी आज अटेंड किए वो लाभान्वित होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और जो डॉक्टर साहब का सपना है 1 लाख लोगों तक प्रिवेंटिव दवा ये पहुंचानी है, उसमें हम भी सब मिलके इसमें साथ आपके साथ हैं और इसी को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेरे रिक्वेस्ट पे आपने आज आने का कष्ट किया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राजन रानडे सर, आपने इतना अच्छा समय हम सभी के लिए सिक्योर किया था। और एक बार फिर अर्पित सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी व्यस्तता होने के बावजूद इस परिचर्चा में भाग लिया और हमें इतनी अच्छी जानकारी साझा की। एक बार फिर से सभी की ओर से मैं गणमान्य अतिथियों का स्वागत भी कर चुकी हूँ और सभी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी जो हमसे निरंतर अभी भी जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत कर रही हूँ। अब हम अंतिम इसमें पहुंच चुके हैं और अभी भी एक प्रश्न आ रहा है, नहीं अभी कोई प्रश्न नहीं है, सभी आपको सर धन्यवाद दे रहे हैं। तो अगर लगता है किसी प्रकार का प्रश्न बच गया है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9907527914 जो कि कॉमन है ग्रुप में, रानाडे अंकल को भी पता है, आप लोगों को मैं शेयर करता रहता हूँ, कोई भी बात हो तो आप निश्चित तौर पर कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा वेलकम करूंगा और आपके परिवार का हिस्सा हूँ, महालक्ष्मी परिवार हमारा एक परिवार है
और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मेरा मैं आज आप लोगों से चर्चा के थ्रू जुड़ रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू तो लोग मुझे ढूंढ ही लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा परिवार है जिसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें पढ़नी चाहिए भी नहीं, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैं आपसे जुड़ूंगा तो निश्चित तौर पर आगे भी हम लोग कई प्रकार की गतिविधियां साथ मिलकर कर पाएंगे और निश्चित तौर पर एक दूसरे का साथ देकर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कॉलोनी के लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका वाकई बहुत बहुत धन्यवाद रानाडे अंकल को, खुद को मुझे साधुवाद देना चाहिए। उनका ये प्रयास है कि जब वो मेरे पास आए थे कि सर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हम एक कॉलोनी में एक गेट टुगेदर करें और लगभग सभी को कुछ नए जो विधा आ रहे हैं उसके बारे में परिचय कराएं, तो ये मॉडर्न विधि निश्चित तौर पर लिखी नहीं गई है और इसके बारे में संरचना, चूंकि मैंने इसका आविष्कार किया है तो इस जन्म में तो नो डाउट इसके बारे में तो मैं ही बता सकूंगा, तो ज्यादा अच्छे से मैं बता सका। और अगर मुझे जितना भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि उस क्वेरीज को सॉल्व करूँ, उसके बावजूद भी अगर कोई चीज रह जाती है तो निश्चित तौर पर ये आगे जाकर रिसर्च का एक विषय है जो आगे पब्लिश होगा। और शायद काफी सारे अवार्ड जो मुझे प्राप्त हुए हैं, आप लोगों का जो आशीर्वाद रहा काफी लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो मुझे मिल रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि हम लोग पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे काम करते हैं, तो लगभग सबका ऑथेंटिक डेटा आप देख सकते हैं और इस समय ऑथेंटिक डेटा ही दुनिया का सबसे बड़ा डेटा हो सकता है क्योंकि वो रियलिस्टिक डेटा है, तो उसमें किसी प्रकार की फेक न्यूज नहीं बनती है और आपको एक्चुअल जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है उस पर रिपोर्ट का जो निराकरण है वो प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं ये चमत्कारी है और निश्चित तौर पर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं भी आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, अगर दुनिया में कोई भी ऐसा पेशेंट आपको किडनी कैंसर ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर आखिरी स्टेज कोमा सर्जरी या लाइलाज या लाइफ स्टाइल ऐसा प्रॉब्लम जो जीवन पर दवाई खाने के लिए आपको प्रतिकूलता दे रहा है, तो आप निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लीजिए। मैं आपके घर का, आपके घर परिवार का हिस्सा हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ और अच्छा कर सकूंगा। थैंक यू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी के साथ हम इस परिचर्चा का समापन करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।